हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम आयुष है और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ स्लीपर क्लच के बारे में। इसको अपन समझ लेते हैं बड़ी आसान लैंग्वेज में कि क्या होता है। आप लोगों के डाउट्स है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ लोगों को समझना है कि स्लीपर क्लच एक्चुअली वर्क क्या है इसका, मतलब कब ये काम में आता है और जो नॉर्मल क्लच है ये थोड़ा सा डिफरेंट क्यों है, अलग क्यों है। तो आज इसको मैं जो है नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ। ये सिर्फ उन लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ वीडियो कि जिन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है कि ये होता क्या है, कैसे काम करता है। आप अगर थोड़े से भी प्रो है, एडवांस लेवल के लिए हैं, अगर तो आपको कुछ पता है और आपको बिल्कुल हाई लेवल का समझना है तो उसके लिए फिर अपन बाद में कभी वीडियो में समझेंगे, पर आज सिर्फ जो है बेसिक लैंग्वेज में अपन समझने की कोशिश करेंगे ये होता क्या है। स्लीपर क्लच समझने से पहले मैं आपको दो चीज़ समझा देता हूँ। पहले समझा देता हूँ गियर रेशो। अगर आपने बाइक सीखी है, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, गियर वाली कोई सी भी गाड़ी चलाते हैं तो उनमें गियर रेशो होता है। फर्स्ट गियर पे आप हो सकता है 20 की स्पीड पे चला पाएं, 20 से अगर स्पीड बढ़ानी तो ऑफकोर्स आपको सेकंड गियर डालना पड़ेगा। गाड़ी की टॉप स्पीड तक अगर आपको जाना है तो ऑफकोर्स आपको गाड़ी में जो दिए हुए लास्ट गियर है, फिफ्थ गियर या सिक्स्थ गियर, जो भी आपकी गाड़ी का लास्ट गियर है, सबसे बड़ा गियर है, उसके अंदर आपको जाना पड़ेगा, तभी आप उस गाड़ी को जो है टॉप स्पीड पर ले पाएंगे। तो वो होता है गियर रेशो। हर एक गियर की अलग अलग एक स्पीड रहती है कि इस गियर में आप इस गाड़ी को इतनी पर्टिकुलरली स्पीड पर चला पाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो चीज़ मेरे को आपको समझानी है, वो होती है इंजन ब्रेकिंग। इंजन ब्रेकिंग आप लोगों को पता होगा, फिर भी जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं इजी वे में जो है बता देता हूँ। आप सपोज करिए कि आप चल रहे हैं 100 की स्पीड पे, ठीक है, आपको गाड़ी को रोकना है, धीरे करना है, पर आपको ब्रेक का यूज़ नहीं करना है, आपको इंजन ब्रेकिंग का यूज़ करना है। अब ये क्यों रहता है, क्या रहता है, प्रोस कॉन्स क्या है, ये सभी चीज़ें जो है एक अलग सेपरेट वीडियो में समझेंगे। आज जो मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ ये समझ लीजिए कि इंजन ब्रेकिंग होती क्या है। तो आपको क्या करना है, फिफ्थ गियर में आप जैसे गाड़ी को चला रहे हैं, आप 100 की स्पीड पे हैं, तो सोच लीजिए आपको आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट आ गया, आपको क्या करना है कि ब्रेक मारना है। तो आप क्या करेंगे, क्लच दबाएंगे, गाड़ी को डाउनशिफ्ट करेंगे, फोर्थ गियर में डालेंगे और क्लच को छोड़ेंगे तो गाड़ी क्या धीरे हो जाएगी। फिर वापस जैसे ही थोड़ी सी स्लो हुई, फिर आप वापस क्लच दबाएंगे, थर्ड में डालेंगे, फिर स्लो करेंगे, इसे आप गाड़ी को रोकते हैं, इंजन ब्रेकिंग इसको बोलते हैं। ऑटोमेटिकली गाड़ी जो है स्लो हो जाएगी, आप जैसे ही फर्स्ट में आ जाएंगे तो आप 10-15 की स्पीड पे पहुंच जाएंगे। और ये आप फास्ट कर सकते हैं बिना गाड़ी को स्कीड किए, स्लीप किए, इंजन को लॉक किए। ये चीज़ काम में आती है परफॉर्मेंस बाइक में या रेस ट्रैक पे, ये चीज़ काफ़ी काम में ली जाती है। इस बारे में अपन डेप्थ में आगे कभी बात करेंगे। तो ये इंजन ब्रेकिंग मैंने आपको समझा दी। तो गाइस अब समझते हैं स्लीपर क्लच क्या होता है। तो एक नॉर्मल बाइक में जैसा कि मैंने आपको बताया, वो 100 की स्पीड का एग्जांपल देखे, ऑलमोस्ट नॉर्मल बाइक 100 की स्पीड से ज़्यादा ऊपर आप कोई चलाएगा नहीं, और चलाते हैं तो वहाँ तक ही चलाते हैं। नॉर्मल तो 50-60 की स्पीड पर चलाते हैं और वहाँ पर आप इंजन ब्रेकिंग यूज़ कर सकते हैं किसी किसी केसेस में। अब समझते हैं स्लीपर क्लच में क्या। स्लीपर क्लच ऑलरेडी जो है सभी हाई एंड बाइक में आता है की स्पीड काफी ज्यादा रहती है। अभी जैसे ड्यूक 390 है तो उसको आप समझ लीजिए 150 पे क्रूज कर रहे हैं, सडनली आपको स्पीड स्लो करनी है या कोई ऑब्जेक्ट आ गया वहां पे आपको स्पीड स्लो करनी है, तो उस टाइम पे इतनी स्पीड पे ब्रेक लगाना जो है सही नहीं होता है। मतलब आप गाड़ी की स्कीड कर सकती है, कुछ भी हो सकता है, आप स्लिप हो सकते हैं, तो वो बहुत सारे जो है चांसेस रहते हैं। तो उस टाइम पे अगर आप सडनली इंजन ब्रेकिंग का यूज करते हैं तो वो काफी अच्छा रहता है और बाइक जो है काफी बैलेंस रहती है। उस टाइम पे आप टर्न ले सकते हैं, टर्निंग के टाइम पे आपने जैसे अगर आप रेस वगैरह देखेंगे तो वहां पे आपको एक साउंड आता होगा जो सडनली जो है हाई आरपीएम से लो आरपीएम की तरफ जा रहा होता है, वो साउंड इसी का रहता है। वो लोग जो है इंजन ब्रेकिंग का यूज करते हैं जब आप उनको एकदम से टर्न लेना रहता है, तो वहां पे आप जो है 200-250 की स्पीड पे इंजन ब्रेकिंग को यूज करके गाड़ी को एकदम से 100 की स्पीड पे ले आते हैं और पूरी जो गाड़ी जो है तिरछी हो जाती है और टर्न ले लेती है प्रॉपर तरीके से। उस टाइम पे जो है ब्रेक का बिल्कुल यूज नहीं किया जाता है, नॉर्मली जो है इंजन ब्रेकिंग का यूज किया जाता है। तो स्लीपर क्लच क्या करता है, जब एकदम से आरपीएम बढ़ जाते हैं, एक बार अपन नॉर्मल बाइक की बात कर लेते हैं, अपाचे आरटीआर 164 भी आप यूज कर रहे हैं, जो है 80 की स्पीड पे आप चला रहे हैं, तो आप फिफ्थ गियर में आपको सडनली जो है एकदम डाउन शिफ्ट करना है गियर, आपने जो है नीचे वाला डाल दिया, फोर्थ गियर डाल दिया, होगा क्या कि इंजन एकदम रेड लाइनिंग करेगा, मतलब फुल जो उसकी रेड लाइनिंग लिमिट दी हुई है वहां तक चले जाएगा, एकदम से साउंड करेगा और गाड़ी एकदम झटका खा के स्लो होगी। अब बात करते हैं वहीं अपोजिट, जिसमें अगर स्लीपर क्लच होगा तो क्या होगा। सिर्फ स्लीपर क्लच है, आप 100 की स्पीड पर चल रहे हैं और सडनली आपने जो है डाउन शिफ्ट करा है, फिफ्थ गियर से आप फोर्थ गियर में आए, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो इंजन है वो रेड लाइनिंग नहीं करेगा। हाँ ऑफकोर्स उसके जो आरपीएम है वो थोड़े से बढ़ेंगे, पर इतने नहीं। मतलब अगर मान लीजिए जो नॉर्मल क्लच वाली बाइक है उसमें अगर आरपीएम 12,000 आरपीएम तक जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जो है 8,500 या 9,000 आरपीएम तक जाएंगे, मतलब 3,500 आरपीएम आपके फ्री हो जाएंगे। इस केस में होता क्या है, स्लीपर क्लच नाम से ही समझ में आता है, स्लीप होता है, मतलब क्या होता है कि जो स्लीपर क्लच है वो इंजन को और रियर व्हील को जो है अलग कर देता है, दोनों को सेम स्पीड पे आने देता है, सेम
स्पीड पे दोनों जैसे ही आ जाते हैं, फिर से वो जो है एंगेज हो जाता है, जो स्लीपर क्लच पहले डिसएंगेज हो जाता है, उसका नाम ही स्लीपर क्लच है, मतलब वो स्लिप हो गया। फिर उसको जैसे ही आप सेम स्पीड पे लेके आते हैं, मतलब इंजन भी सेम स्पीड पे आ गया और जो रियर व्हील है वो भी सेम स्पीड पे आ गया, वो वापस से एंगेज हो जाएगा और अपनी स्पीड पे काम करना जो है स्टार्ट कर देगा। इससे आपको जो है आप मतलब प्रॉपर तरीके से डाउन शिफ्ट कर पाते हैं, कॉर्नरिंग अच्छे से कर पाते हैं, यही इसका यूज़ रहता है। तो ऑफकोर्स आपको समझ में आ रहा होगा कि यार क्या ज़्यादा यूज़ है, मतलब क्या कुछ ऐसा कर लिया, वो तो उसमें भी अपन नॉर्मल कर ही लेते हैं। ऐसा आपको नॉर्मल स्पीड पे लग रहा है, आप 80 की स्पीड पे क्रूज़ कर रहे हैं, जब आप हाई एंड बाइक पे 250-300 की स्पीड पे क्रूज़ कर रहे हैं और उस टाइम पे अगर आप ये करेंगे नॉर्मल क्लच के साथ में, तो 100% पॉसिबिलिटी रहती है आप गिर जाएंगे, व्हील लॉक हो जाएगा या इंजन क्लच जो है वो पूरी डैमेज हो जाएगी, इंजन को बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है, साथ ही जो है आप स्कीड हो जाएंगे, आपको इंजर्ड हो जाएगी। तो वहाँ पे जो है प्रॉपर तरीके से इंजन को डाउन शिफ्ट हो जाता है, रेड लाइनिंग तक नहीं लेके जाना पड़ता है, कोई क्लच पे इफेक्ट नहीं आता है, इंजन पे इफेक्ट नहीं आता है, रियर व्हील पे इफेक्ट नहीं आता है, आपकी जो राइडिंग है उस पर इफेक्ट नहीं आने देता है, इतने सारे काम करता है स्लीपर क्लच। तो ऑफ कोर्स अगर आप एक हाई एंड बाइक परचेस कर रहे हैं, देखिए उसके अंदर स्लीपर क्लच है या नहीं है। तो सिर्फ इतनी सी चीज़ होती है स्लीपर क्लच, पर वो काम में बहुत ज़्यादा आती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्लीपर क्लच। अब भी अगर कुछ डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना, मेरे सोशल मीडिया के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ पे ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे ऑटोमोबाइल्स रिलेटेड। तो गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, काम में आई है, इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई है, तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, क्योंकि ऑटोमोबाइल्स रिलेटेड ऐसी न्यूज़ रिव्यूज़ कंपैरिजन वाली वीडियो मैं रोज़ अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। साथ ही मेरी वेबसाइट है व्यवस्थित.com, जहाँ पर जाकर आप ऑटोमोबाइल्स रिलेटेड टेक रिलेटेड कंटेंट रीड कर सकते हैं अपनी ऑन लैंग्वेज में। तो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, कल तक की वीडियो के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, हैव अ नाइस डे, और हाँ फ्रेंड्स, ड्राइव सेफ।